हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 3.1 को कवर भी किया था। आज के टॉपिक में हम देखेंगे सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि और प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड एक्सरसाइज, मतलब कि एक्सरसाइज 3.3, उस पर क्वेश्चन और जो उस पर जो एम वाला जो एक क्वेश्चन है, विशेष क्वेश्चन हमारा वही रहेगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वाले पे 3.3 पर यही रहेगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन और बताऊँगा, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। अगली इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इजिकल टू 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। हम इसको सॉल्व करते समय एक को समीकरण एक लेना है, दूसरे को समीकरण दो लेना है। इससे होगा क्या, हमारे पास में दो रेखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो जाएंगे। जब हमारे पास दो रेखिक समीकरण युग्म प्राप्त होंगे तब हम करेंगे, या तो आप समीकरण एक से या समीकरण दो से एक्स की या वाई की वैल्यू निकालो। जिस समीकरण से निकालोगे उस पर नहीं रखना है, जिस समीकरण से निकालोगे उस पर नहीं रखना है। तो हम समीकरण दो से अगर निकालते हैं तो एक पे रखेंगे और एक से निकालते हैं तो दो पे रखेंगे। चलो देखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर समीकरण दो से। समीकरण दो से क्यों लिया, समीकरण दो से हमने इसलिए लिखा क्योंकि देखो यहाँ पर जो संख्या प्लस की होगी ये बराबर किधर जाएगी, तो माइनस में जाने वाली। मगर जो संख्या ऑलरेडी माइनस में है ये बराबर किधर जाएगी, तो प्लस में जाएगी। बस सिर्फ इसी कारण से हमने सिर्फ जो संख्या इधर माइनस की थी उसे बराबर किधर लिखा है, प्लस में। चलो देख लेते हैं समीकरण दो से क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अब जो संख्या इधर माइनस की बराबर किधर जाएगा, तो 4 प्लस वाई। अब ये जो आया है ये है एक्स का काल्पनिक मान। अब x के काल्पनिक मान को आपने समीकरण दो से निकाले हो तो समीकरण एक में रखोगे, तो हम लिखेंगे x के मान को समीकरण, देखो आपने समीकरण दो से निकाले हो, दो से निकालोगे तो एक पे, तो x के मान को समीकरण एक में रखने पर क्या है समीकरण एक, x प्लस वाई बराबर 14। देखो x का मान क्या है, 4 प्लस वाई, ये लो, प्लस वाई इक्वल टू 14। देखो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर में 14, वाई और वाई मिलके 2y बराबर में 14। अब जो संख्या इधर प्लस की होगी ये बराबर किधर आएगी, तो माइनस में, मतलब कि 2y बराबर 14 माइनस 4। अब 14 में से 4 को घटाओगे बचेगा 10, 2y बराबर 10। अब जो संख्या इधर गुणा की होगी ये भी बराबर किधर आने के बाद, भाग में, मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वाई बराबर 10/2, 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10। मतलब जो वाई की हमारी एक्चुअल वैल्यू आई, वाई बराबर हमारा आ गया 5, ठीक है। अब जब आपका वाई का मान आ गया तो ये होता है वास्तविक मान। अब इसको आप समीकरण एक और समीकरण दो दोनों में रख सकते हो, तो हम समीकरण फिर से दो ही में रखते हैं क्योंकि दो हमें आसान लग रहा है। तो हम लिखेंगे वाई का मान समीकरण दो में रखने पर, y का मान समीकरण दो में रखने पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई का मान 5 बराबर में 4। जो संख्या इधर माइनस की होगी बराबर किधर जाएगी, तो प्लस में, मतलब x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 जुड़ने के बाद 9, ये आ गया x का मान। हम नीचे में लिख देंगे, अतः है x बराबर 9 एवं y बराबर 5 है, और यही अपना क्या होगा आंसर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। सेकेंड इक्वेशन हमें दिया है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो अगर कहीं पर लिखा हो 2/10 तो क्या होता है, हम इसे तो काट नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, जीरो लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं और दशमलव का जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो काट के जो बचा वो
ठीक, मतलब कि हम सिर्फ अगर 2/10 लिखा होता तो इसको हम सीधा लिख देते 0.2, तो अगर 0.2 कहीं पे दिखता तो हम उसको 2/10 भी लिख सकते हैं। उस हिसाब से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उस हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाएगा 2/(x+3/10)y = 13/10। कुल मिला के ये 0.0 नीचे आ रहा है। अगला बार क्या हो जाएगा, 4/(x+5/10)y = यहाँ पे आ जाएगा 23/10। अगली स्टेप क्या हो जाएगी, देखो अगर हर समान होते हैं तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब ये हो जाएगा 2x+3y = 10/13/10। ये क्या हो जाएगा, ये भी हर समान है, फिर से अंश जुड़ जाएंगे, मतलब कि 4x+5y = 10/23/10। देखो हर से हर को हम काट दें तो क्या होगा, बचेगा हमारे पास में एक समीकरण 2x+3y = 13, इसे हम समीकरण एक, और अगला 4x+5y = 23, इसे समीकरण दो नाम दे देंगे। अब समीकरण एक भी हमारे पास है, समीकरण दो भी हमारे पास है, समीकरण एक ये रहा, समीकरण दो ये रहा। हमें समीकरण एक जो है थोड़ा आसान लगेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी वैल्यू बड़ी है, तो हम समीकरण एक को लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या हो जाएगा, समीकरण एक क्या है, 2x+3y = 13। ठीक, अब जो संख्या इधर प्लस की होगी बराबर के इधर आने के बाद माइनस की, मतलब 2x = 13 - 3y। ठीक, अब जो संख्या इधर गुणा की होगी बराबर के इधर आने के बाद भाग में, मतलब x बराबर हो जाएगा 13 - 3y / 2। ये है x का काल्पनिक मान। हम क्या लिखेंगे, x के मान को समीकरण, देखो आपने समीकरण एक से निकाले हो, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो क्या है हमारा, समीकरण दो हमारा रहा 4x+5y = 23। एक्स का मान ये रहा 4, एक्स का मान क्या है 13 - 3y / 2 +5y = 23। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटाते हैं, ये हो जाएगा 4 × 13 - 3y / 2 + 5y = 23। ठीक, अब देखो ये 2 से 2 = 1, 2 × 2 = 4। अब देखो अगर ब्रैकेट सिर्फ यहाँ तक होता तो इस 2 का गुणा इससे और इस 2 का गुणा इससे, तो हम कर देते हैं 2 का गुणा 13 × 26, उसके बाद माइनस लगा है माइनस लगा दो, 3 × 6y प्लस लगा है प्लस लगा दो। ठीक, बराबर में इधर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 5y = 23। चलो 6y - का है और 5y + का है, प्लस और माइनस मिलके माइनस, 6 में से 5 को घटाओगे बचेगा खाली माइनस का y। अब जो संख्या इधर लिखी हुई है उसे एक बार इधर ही रहने दो, बराबर में है 23। अब जो संख्या इधर प्लस की है ये बराबर के इधर जाएगी, तो माइनस में, या जो माइनस की है उसे बराबर के इधर लेके जाओ प्लस में, और जो इधर प्लस की है उसे बराबर के इधर लेके आओ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का y बराबर में 23 - 26, प्लस की थी माइनस में चली गई, ये हो जाएगा माइनस का y बराबर 23 और 26, ये प्लस का ये माइनस, प्लस माइनस मिलके माइनस, और बड़ी संख्या के आगे क्या है माइनस, तो आंसर में भी माइनस, 26 में से 23 घटाओगे बचेगा 3, इस वाले माइनस से इस वाले माइनस को कैंसिल करोगे तो बचेगा क्या, y बराबर में 3। ये है y का वास्तविक मान। अब y के मान को आप या तो समीकरण एक में रख दो या समीकरण दो में रख दो। समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक आसान है, इसीलिए हम लिखते हैं y के मान को समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर क्या है, समीकरण एक 2x+3y = 13, 2x+3y की वैल्यू 3 = 13। देखो ये हो जाएगा 2x+3 = 9 = 13, जो संख्या इधर प्लस की होगी ये भी बराबर के इधर आने के बाद माइनस, मतलब ये हो जाएगा 2x = 13 - 9। अगली स्टेप क्या हो जाएगी, अगली स्टेप ये हो जाएगी कि देखो ये तो हो गया 2x = 13 - 9 जाएगा बचेगा 4। अभी देखो जो संख्या इधर गुणा की होगी ये बराबर के इधर आने के बाद भाग में, मतलब हो जाएगा x = 4/2, 2 = 2, 2 =
चार, ठीक, मतलब x बराबर सिर्फ और सिर्फ आ गया, x बराबर सिर्फ और सिर्फ आ गया दो, ठीक। हम लिख देंगे अतः है x बराबर दो और y बराबर कितना है तीन, ठीक, और यही होगा अपना आंसर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपके होमवर्क रहेंगे। इससे आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। चलिए आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू आपको क्या कहता है, ये कहता है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। कहने का मतलब है आपको दो रेखीय समीकरण युग्म दिया गया है, आप इन दोनों को हल करो और इससे m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए ये समीकरण संतुष्ट होता हो, क्या, y बराबर mx प्लस 3। चलो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से x और y के मान ज्ञात करते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। मान लेते हैं ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो है। समीकरण एक है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण दो है हमारा 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। हमें आसान समीकरण एक लगता है, तो हम करते हैं समीकरण एक से, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जो संख्या इधर माइनस की है इसे प्लस में लाने के लिए समीकरण दो से कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इस बार समीकरण एक से लेते हैं। समीकरण एक क्या है हमारा, 2x प्लस 3y बराबर में 11। देखो जो संख्या इधर प्लस की होगी बराबर के इधर आने के बाद माइनस, मतलब ये हो जाएगी 2x बराबर 11 माइनस का 3y। अब जो संख्या इधर गुणा की होगी बराबर के इधर आएगी तो भाग में, मतलब ये हो जाएगा x बराबर 11 माइनस का 3y और बटे में 2। ये है x का काल्पनिक मान। अब ये x के काल्पनिक मान को आप समीकरण एक से निकाले हो तो समीकरण दो में रखोगे, तो आप लिखोगे x के मान को समीकरण दो में रखने पर, x के मान को समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो क्या है हमारा, 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। x का मान क्या रहा, ये रहा, हम रख देते हैं ये रहा दो, कोष्टक के अंदर 11 माइनस का 3y और बटे में दो, ठीक, माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24। देखो ये दो और ये दो गुणा में है, मतलब ये कट जाएंगे, यहाँ पे गुणा लगेगा और ये गुणा लगेगा तो ये इसके भाग में आ जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ 11 माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24। अब जो संख्या इधर प्लस की है बराबर की इधर आएगी तो माइनस में, कैसे करेंगे, 11 का 11 माइनस और माइनस प्लस, बड़ी संख्या के आगे माइनस, 4 और 3 मिलके 7y बराबर में माइनस का 24। जो संख्या इधर प्लस की है बराबर की इधर आएगी तो माइनस में, मतलब माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 माइनस का 11, ऐड कर दो, माइनस का 7y बराबर में 4 और 1 5, 2 और 1 3, आगे माइनस लगा है माइनस लगा दो, मतलब हमारा आ गया है माइनस का 7y बराबर में माइनस का 35। अब जो संख्या इधर गुणा में होगी बराबर किधर आएगी तो भाग में, मतलब ये हो जाएगा y बराबर माइनस का 35 और बटे में माइनस का 7, माइनस से माइनस को काट दो, 7 एकम 7 और 57 35, मतलब y बराबर हमारा हो जाएगा 5। ये लो, ये है y का वास्तविक मान। अब हम y के मान को किस पे रख दें, समीकरण एक में, तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान आप समीकरण एक में रख रहे हो, क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। देखो ये तो हो गया 2x माइनस 4 का 4, y का मान क्या है 5 बराबर में माइनस का 24। चलो 4 पंचे, अच्छा समीकरण एक में रख रहे हैं, y का मान समीकरण दो में ही रख देते हैं। चलो समीकरण दो में रखने पर, y का मान समीकरण दो में रखने पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24, ये हो जाएगा 2x, ये 4, ये y की वैल्यू, ये बराबर में माइनस का 24, क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 पंचे 20 बराबर में माइनस का 24। चलो जो संख्या इधर माइनस की है बराबर की इधर आएगी तो प्लस में, मतलब कि 2x बराबर हमें मिलेगा माइनस का 24 और इस पर प्लस 20, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब ये हो जाएगा 2x बराबर में माइनस प्लस माइनस, और देखो 24 में से 20 को घटाओगे कितना आएगा
चार। अब जो संख्या इधर गुणा में है बराबर किधर आएगी तो भाग में, मतलब x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का चार बटे दो, दो एक कम दो और दो दूनी चार, मतलब हमारा x बराबर आ गया है, x बराबर आ गया है माइनस का दो। ठीक, चलो अब x का मान भी आ गया अपने पास, y का मान भी आ गया, तो हमें बोला है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस थ्री हो। अब हम लिखेंगे, अब y बराबर एम एक्स प्लस थ्री, वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या है पाँच, बराबर m, m का मान पता नहीं है, x का मान माइनस का दो प्लस थ्री। ठीक है, चलो जो संख्या इधर प्लस की होगी बराबर किधर जाएगी तो माइनस में, मतलब ये हो जाएगा पाँच माइनस तीन बराबर में m और मल्टीप्लाई में था टू, पाँच में से तीन को घटाओगे कितना बचेगा दो बराबर में m का m मल्टीप्लाई में था माइनस का टू। अब जो संख्या इधर गुणा में था ये बराबर किधर जाएगा तो भाग में, मतलब ये हो जाएगा दो बटे माइनस का दो बराबर में m, दो एक कम दो, दो एक कम दो, माइनस नीचे नहीं रहता है इसलिए अंश में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक बराबर m, मतलब कि हमारे पास सभी वैल्यू आ गई क्या x बराबर, अतः लिख देंगे हम, अतः x बराबर माइनस का दो, y बराबर पाँच और m बराबर माइनस का एक। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री।